जय गुरुदेव, जय शंकर भगवान। आपके आशीर्वाद से 2-3 हज़ार क्रिया योग रोज कर लेता हूँ। सारा दिन मस्ती छाई रहती है, हर काम को बहुत उत्साह से करता हूँ। क्रिया योग के दौरान मैं बीच बीच में कुछ देर श्वास को रोक लेता हूँ तो बहुत आनंद आता है। थोड़ी देर के लिए मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। इसी चक्कर में शुरू शुरू में कई बार गिर गया, लेकिन अब कोई चोट ना आए उसका ध्यान रखता हूँ। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? तेजेंद्र सिंह रॉकी, लुधियाना। प्राणायाम की 3 क्रियाएं, जब हम श्वास भीतर खींचते हैं उसको पूरक कहते हैं, पूरक। जब रोक लेते हैं वो, चाहे हम श्वास को भीतर रोकते हैं चाहे बाहर रोकते हैं, वह कुंभक, पूरक, कुंभक और रेचक। जब हम श्वास को बाहर फेंकते हैं वह रेचक। यह 3 अंग होते हैं। अगर बीच बीच में बाहर या भीतर श्वास को लेते वक्त या श्वास छोड़ने के बाद अगर आप थोड़ी देर के लिए श्वास को रोक लो तो निश्चित ही बड़ा आनंद आएगा। वह मज़ेदार प्रक्रिया है, लेकिन उसमें थोड़ी सी संभावना चक्कर आने की होती है, क्योंकि उससे एकदम सारी ऊर्जा सहस्रार में प्रवेश करती है। यही आपके साथ हुआ है। दिशा बिल्कुल ठीक है। दिशा के लिए तो मैंने आपको पहले ही एक मापदंड बता दिया है, आनंद। सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, समाधि हो, अगर आनंद नहीं, रस नहीं, तो वह आध्यात्मिक यात्रा नहीं। रस आवश्यक है। रस नहीं तो उसे छोड़ देना। क्रिया योग जब शुरू शुरू में आप आरंभ करोगे तो आपका अंतस खाली होगा, मैंने पहले भी बताया था। आपके अचेतन मन के भीतर बहुत से संस्कार भरे पड़े हैं कई जन्मों के। उन संस्कारों के कारण आपको आप भरे भरे से लगते हो। ये खाली होना ही इन संस्कारों से मुक्त होना है। ये पहला पड़ाव है मुक्ति का। अब बीच में एक प्रश्न आया, मैं साफ कर दूं। पूछा कि आपने एक वीडियो में बोला कि जब आप श्वास भीतर लेते हो तब चोट पड़ती है सहस्रार पे, जब छोड़ते हो तो चोट पड़ती है कुंडलनी पे, और एक में कहा जब श्वास लेते हो तो कुंडलनी पे चोट पड़ती है, छोड़ते हो तो सहस्रार पे चोट पड़ती है, इन दोनों में से कौन सा ठीक है? पहले वाला ठीक है, कहीं गलती से बोल गया हूँगा, लेकिन इसका ज्यादा अर्थ तो नहीं,
कि आप क्रिया योग करो। वो कहाँ चोट करता है इसके ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं। अगर ये आपको पता ना होगा कि इसका भीतर का थीसिस क्या है, अल्केमी क्या है इसकी, तो भी क्रिया योग तो अपना काम करेगा। विष के बारे में अगर पता ना हो कि यह विष है तो विष तो मारेगा ही। अमृत के बारे में पता ना हो कि यह अमृत है तो अमृत तो जलाएगा ही। तो इसलिए ज्यादा गहराई में मत जाया करो, बस क्रिया योग करो। लेकिन फिर भी आपने प्रश्न पूछा है, तो जब हम श्वास खींचते हैं यहाँ चोट करते हैं सहस्रार में, जब हम श्वास छोड़ते हैं कुंडलियों पर चोट पड़ती है। यह है शब्द बड़ा प्यारा है, यह है शब्द इस्लाम में भी खोजा गया। इसलिए इस्लाम में परमात्मा के नाम के पीछे अल्लाह हू लगाया जाता है। कुल ने फकीर देव चों, कुल ने फकीर देव चों, अल्लाहुदा आवाज आवे। कुली ने फकीर दे विचों अल्लाहू। हु शब्द बड़ा प्यारा है, हु शब्द कुंडलिनी पे चोट करता है। और ध्यान रखना, सहस्रार में शक्ति नहीं है, शक्ति है कुंडलिनी में। कुंडलिनी को जगाना आवश्यक है, कुंडलिनी के भीतर सारी शक्ति छिपी पड़ी है और उसने सारे चक्रों के बीच में से गुजर के सहस्रार में प्रवेश करना है। और सहस्रार में प्रवेश करके उसके बाद उसने तीसरे नेत्र को खोल देना है। ये तीन नाड़ियां हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। इड़ा पिंगला दाएं बाएं चलती हैं और सुषुम्ना बिल्कुल मध्य में चलती है। ये तीनों मेरुदंड के भीतर से निकलती हुई सब चक्रों के बीच में से गुजरती हुई, शब्द लिखा है भेदन। ये भेदन शब्द से डर जाते हैं लोग कि पता नहीं टूटेंगे चक्र, बड़ा खतरे वाली बात है, बड़ा दर्द होगा। नहीं, ऐसी कोई बात है, मेरुदंड के भीतर से सिर्फ गुजरेगी कुंडली की शक्ति। इसलिए बहुत से व्यक्ति ये प्रश्न कर देते हैं, शंका कर देते हैं, क्योंकि अज्ञानी व्यक्तियों ने कुंडलिनी के बारे में डराया बहुत है। जो खुद पहुंचे नहीं है वो भय पैदा करते हैं। जिनको परमात्मा का कुछ पता नहीं था उन्होंने भय पैदा किया है, इन पंडितों ने, पुरोहितों ने, इनको पता नहीं था। वस्तुतः भय की कोई जरूरत नहीं, वह तो परम प्रेम का सागर है, वह तो करुणा का पुंज है, वह तो शीतलता का समुद्र है, उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो कुंडलिनी शक्ति हमारे नाभि के पास, मूलाधार चक्र के पास व्याप्त है। जब हम श्वास लेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ गहरा श्वास खींचो, गहरा श्वास खींचो, वह कुंडलिनी पे प्रहार करेगा। और ये मुख्य है, क्योंकि हमने शक्ति लेनी है कुंडलिनी से, सहस्रार में शक्ति नहीं। सहस्रार तो शक्ति को समाएगा, उसकी पंखड़ियां तो खुलेंगी, लेकिन शक्ति निकलेगी कुंडलिनी से। वो शक्ति आप चाहो तो सहस्रार में प्रवेश करा सकते हो,
वो शक्ति आप चाहो तो काम वासना का आनंद ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। बहुत से लोग अभी संसार में और आनंद लेना चाहते हैं, जिसे वो कहते हैं कि ऐश ले लें, तो भाई वो ऐश ले लो। और जो इस ऐश से थक गए हैं, वो अपनी शक्ति को जगाकर सहस्रार में प्रवेश करवा लो। ये शक्ति के जाने का मार्ग क्या है, मैंने पहले भी बताया। शक्ति इसके कुंडलनी के जो वल हैं, वल जो टेढ़-मेढ़, वो खुलेंगे। जब ये सीधी हो जाएगी तो इसकी शक्ति रिलीज होगी और वहाँ से उठती हैं 72,000 नाड़ियाँ। लेकिन 72,000 नाड़ियों शरीर के विभिन्न अंगों में फैल जाती हैं। तीन नाड़ियाँ प्रमुख हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्न। इड़ा, पिंगला इस स्थान पर आकर रुक जाती हैं, भौहों के ऊपर, और सुषुम्ना सहस्रार में प्रवेश कर जाती है ब्रह्मरंध्र में। सहस्रार में प्रवेश करने के बाद ये तीसरे नेत्र को खोल देती है। अरे बड़े मजे की बात है, तीसरे नेत्र को खोलने के लिए जो विधान बनाए गए, जो आपको विधियां दी गई, वो तीसरे नेत्र पे ध्यान करो। कभी किसी का तीसरा नेत्र खुला है ध्यान करने से? कोई है तो बता दो। तीसरे नेत्र पर जोर डालने से सरदर्द तो हो सकता है, ये तो पक्का है, पागल भी हो सकते हो, दिमाग की नाड़ी भी फट सकती है। लेकिन अगर तुम कहोगे तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा तो यह पागलपन है। तीसरा नेत्र बिल्कुल सहज ढंग से जगता है। सहज समाधि बलि रे साधो, सहज समाधि बलि। इस श्वास की हल्की हल्की चोट डाल दो। क्रिया योग में यही बताया बाबा ने मुझे, मैं आपसे पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। 1976 का एक दिन बाबा ने मुझे क्रिया योग का ये सारा ढंग बताया। एक पुराना क्रिया योग भी है, उसे मैंने कभी आजमाया नहीं, वो स्वामी योगानंद का है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने आजमाया ही नहीं। मैंने ये बाबा बोले बाबा कर दिया हुआ क्रिया योग ही जाना, यही मुझे मिला दीक्षा में और यही मुझे बांटने का हुक्म हुआ, समस्त विश्व में फैला दो। और आज तो बहुत से स्कूलों में समझदार टीचर्स बच्चों से करवाते हैं प्रार्थना के बाद क्रिया योग, थोड़ी सी मात्रा में, 10, 5, 15, छोटे बच्चों की उम्र के हिसाब से 12 साल से कम बच्चे को क्रिया योग मत करो, उससे ऊपर के बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो। तो मुझे अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, बच्चों का दिमाग शार्प हो गया, एक बार बात समझाओ समझ आ जाती है, एक बार याद करो याद हो जाता है और पक्का याद हो जाता है, रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ता। उसका मूलभूत रस समझ आ जाता है कि इस बात में तत्व क्या छिपा है। जब हम श्वास लेते हैं तो चोट पड़ती है सहस्रार में, पहली चोट। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो चोट पड़ती है कुंडलनी पे। ये तो आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो, पूछने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं थी। खैर, पूछा तो मैंने आपको आपकी शंका का समाधान कर दिया। अब ये पूछते हैं रॉकी,
कि मुझे चक्कर आ गया जब मैंने श्वास को रोका। देखिए, अगर आपने श्वास को रोकना है तो पास ही कहीं एक कुर्सी रख लीजिए। जब आपने श्वास को रोकना है तो कुर्सी पर बैठ जाइए, आनंद बहुत आएगा बिला शक। कुंभक का जो स्टेप था वो मैंने इसलिए छोड़ा, मुझे बतलाया भी नहीं गया था। बाबा ने मुझे दो स्टेप ही बताए, पूरक और रेचक। कुंभक बताया नहीं, लेकिन कुंभक मैंने करके देखा है। जब कुंभक करता हूं तो हल्का सा चक्कर आता है और उसमें शरीर इम्बैलेंस हो सकता है, तुम गिर भी सकते हो, चोट फेट भी खा सकते हो। इसलिए पहली बात तो क्रिया योग को किसी कच्ची जगह पे करना। अगर थोड़ा सा गिर भी जाओ तो चोट ना लगे। क्रिया योग, सिर्फ एक क्रिया योग। मेरे पास रोज प्रश्न आ जाता है, क्या सिर्फ क्रिया योग हमें परमात्मा तक पहुंचा देगा? देखिए, रास्ता साफ कर देगा, राजपथ बना देगा, चलना तो आपको पड़ेगा। क्रिया योग के बाद योग निद्रा में जाओ, ध्यान में बैठो, इंस्पिरेशन लो, वीडियोस वगैरह सुनो। मैं पक्का गारंटी से कह सकता हूँ, यू विल बी लिबरेटेड। आप सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे। यह प्रैक्टिकल है, यह है थ्रोटिकल, बकवास नहीं है। और थ्रोटिकल तो बकवास ही होती है, सिर्फ थ्रोटिकल जिसका प्रैक्टिकल ना हो। ऐसे प्रश्नों का जवाब जो ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं वो दे सकते हैं, और वो ही दे रहे हैं इन जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई कर ली। खोपड़ी ज्यादा काम करती है, यूपीएससी लड़ लिए, आईएएस बन लिए, उनकी खोपड़ी निश्चित ज्यादा काम करती है। और खोपड़ी का ज्यादा काम करना एक दुर्भाग्य है। यह कोई पुरस्कार नहीं है, खोपड़ी का ज्यादा चलना और जुबान का ज्यादा चलना नुकसानदेह। जुबान को ज्यादा चलाओगे तो मौन घटेगा, मौन टूटेगा, मौन टूटेगा तो आपकी शक्ति व्यय होगी, और खोपड़ी को ज्यादा चलाओगे तो उससे भी शक्ति व्यय होगी, और खोपड़ी को ज्यादा चलाने से कोई मसला कभी हल नहीं हुआ। जाना तो अपने भीतर है, इसमें खोपड़ी को चलाने का काम भी नहीं रह जाता। अपने भीतर जाना है और इसको छोड़ के जाना है, इसको एक तरफ रख दो। जैसे हम मंदिर में जाते हुए जूते निकाल के बाहर जाते हैं, जूते समेत हम मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं? ऐसे ही खोपड़ी जूता है, खोपड़ी को उतार के जाया करो, इसके बिना बात बन जाएगी। इसको संग लेके जाओगे तो भटक जाओगे, फिर नहीं पहुंचोगे कभी। मैं लिख के दे देता हूं आपको। ज्यादा खोपड़ी वाले लोग आपको शब्द दे सकते हैं अनुभव में, और शब्द कहीं नहीं पहुंचाते, शब्द उलझाते हैं। इसलिए शब्दों में ज्यादा उलझ मत जाना, सारा संसार शब्दों में उलझ गया है। देखिए, परमात्मा एक है, और उस एक के नाम पर कितनी कत्लोगारत हो रही है। ये सब जो मुल्क लड़ रहे हैं, ये धार्मिक कहलाते हैं अपने आप को, कोई यहूदी कहलाता है, कोई ईसाई कहलाता है, कोई इस्लामिक कहलाता है, और आपस में लड़ रहे हैं। जबकि धर्म अपने आप को लड़ने की बात कभी नहीं कहता, धर्म तो प्रेम सिखाता है। तुम प्रेम की बात तो एक दिन करते हो, जिस दिन ईद होती है उस दिन गले मिलते हो, बाकी दिन भूल जाते हो। तो 364 दिन आपके संस्कार मैले होते हैं, और एक दिन आप उस मैल को धोते हो
कितना मैल धो पाओगे एक दिन में? इसलिए तो मैल उतरता नहीं। जन्मों जन्मों की ये मैल इतनी जुड़ गई है कि सुमेरु पर्वत से भी ऊंची हो गई है। और फिर तुम कहते हो कि हम सुखी हो जाएं, हम आनंद में छलांग लगा जाएं, कैसे हो सकेगा ये? तुम्हारा हीरा इस कीचड़ के नीचे दबा पड़ा है जिसके ऊपर तुमने मैल का पहाड़ खड़ा कर लिया है। इस सारी मैल को हटाना होगा। यहाँ जब जाना होता है तो पाई पाई का हिसाब देके जाना होता है। यहाँ बुद्ध, कृष्ण, राम जैसा कोई भी व्यक्ति खाता बंद किए बगैर जा नहीं सकता। ये ईश्वर का विधान है। तो तुम्हारे दो प्रश्नों का हल हो गया। जब श्वास लोगे तो चोट पड़ेगी यहाँ, जब श्वास छोड़ोगे चोट पड़ेगी कुंडली में। और दूसरा, अगर आपने क्रिया योग करते करते पूरक के बाद कुंभक करना है या रेचक के बाद कुंभक करना है तो करो, आनंद बहुत आएगा निश्चित। लेकिन सवाल आनंद का नहीं, मेरा लक्ष्य परम आनंद है। थोड़ा थोड़ा आनंद आप बीच में से ले सकते हो, रुक सकते हो, लेकिन पास कुर्सी रखना। जब भी आपने कुंभक करना हो, श्वास रोकना हो, बाहर या भीतर कहीं भी रोक लो। भीतर रोकोगे तो आनंद बहुत आएगा, क्योंकि वायु का जो दबाव है वो सहस्रार तक चोट करेगा। अगर श्वास को भीतर लेकर रोकोगे थोड़ी देर तो बड़ा लुत्फ आएगा, बाहर रोकोगे थोड़ा कम लुत्फ आएगा। ये आपकी इच्छा है, लेकिन कुर्सी पास रखना या फिर बैठ जाना या कोई आसपास ऐसी चीज हो जो आपको बैठने के लिए उपयुक्त लगे तो वहां बैठ जाना। चलते चलते खड़े खड़े कुंभक मत करना, उससे तुम्हारे गिरने का खतरा, इम्बैलेंस होने का खतरा हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, तीसरे नेत्र का खुलना और तीसरे नेत्र का जागृत होना, इन दोनों बातों में क्या फर्क है? सुंदर प्रश्न है। तीसरे नेत्र को जागृत करना और तीसरे नेत्र का खुल जाना, समझिए बड़े ध्यान से गहराई की बात। जैसे कोई अमीर आदमी पहले पैसे कमाता है, फिर उस पैसे से कोई वस्तु खरीदता है, पहले कमाई करता है फिर उसका उपयोग करता है। तीसरे नेत्र का जागृत होना पहले होता है। जैसे अंधे को पहले आंख मिल जाए और फिर वो आंख से देखना शुरू कर दे, तो तीसरे नेत्र को जागृत करना अंधे को आंख मिलने जैसा है, और तीसरे नेत्र का खुल जाना अंधे के आंख से देखने जैसा है, वह फिर उससे काम लेना शुरू कर देगा। बस ये फर्क है, दोनों एक ही बात नहीं। जागृत होना और बात है और खोल लेना और बात है। तीसरा नेत्र तो सभी के पास है और बहुत से व्यक्तियों को पता ही नहीं है कि उनका तीसरा नेत्र जागृत तो होने वाला है या एट द पॉइंट ऑफ ओपनिंग, खुलने के करीब है, बिल्कुल तैयार बतैयार। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता। आने वाली बातों को पता चल जाना, किसी व्यक्ति ने मिलने आना है, उसकी याद आना और थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति आ जाना, स्वप्न के भीतर कोई दृष्टांत दिखना और वह पूरा हो जाना, कोई ऐसी दिमाग में बात आ जाए
जिसके बारे में तुमने सोचा नहीं था और वो घटना घट जाना, ये तीसरे नेत्र के जागने से पहले के लक्षण है। इसे आप नोट कर लेना। तीसरे नेत्र के जागने से पहले जो लक्षण आएंगे वो ये लक्षण आएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको याद कर रहा है तो भी आपका तीसरा नेत्र उसको पहचान लेगा। तीसरा नेत्र, पुराने जमाने में एक बात कही जाती थी, जब हमें हिचकी आती तो पुराने बुजुर्ग कहते हैं हमें कोई याद कर रहा है, वो खींचती है प्राणवायु। तीसरे नेत्र पर जब दबाव पड़ता है जागृत होने के लिए तो हिचकी आती है। हिचकी आना अपने आप में एक बीमारी भी है। कभी बीमार व्यक्ति ना समझने लग जाए कि मेरा तीसरा नेत्र जागृत होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता, बीमारी भी होती है। साधक के लिए ये उससे आने वाले पूर्व प्रभाव हैं, पूर्व लक्षण हैं कि उसको होने वाली घटनाओं का आभास होना शुरू हो जाएगा। कोई व्यक्ति उससे मिलने चला है, घर से चला है, तो उसको उसकी सहसा याद आएगी। जो उसके करीब आ गया उसको ऐसा लगेगा जैसे वो याद आ रहा है और थोड़ी देर में वो आपके सामने खड़ा होगा। कोई घटना स्वप्न में आपको दिख जाती है या इमेजिनेशन में दिख जाती है, दिन दहाड़े कल्पना में आप कोई चीज देख लेते हो और वो थोड़ी देर के बाद घट जाती है बात, ऐसा ही हुआ। बहुत साल पहले एक साधक मेरे पास आया, मुझे कहने लगा मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पिताजी और मेरी माताजी दोनों ही मर जाएंगे कल। कहिए ये कैसे पता लगता है? ये भीतर से मुझे लगता है। जब मैं आंख बंद किए तो दो तीन बार मुझे लगा जैसे मेरे पिताजी नहीं, मेरे माताजी नहीं, दोनों स्वर्गवास हो गए। मैं समझ गया बात को। मैंने कहा तू धीरज रख, तू घबराहट मत कर। कहता मुझे तो मोह ही बहुत है इनके साथ। मैंने कहा देखो कोई व्यक्ति यहाँ रहा तो है नहीं, मोह करना व्यर्थ है, जो होगा वो होगा, तो व्यर्थ में पहले ही काहे चिंता लेता है। और दूसरे दिन उसके माता पिता इकट्ठे ही मर गए। ऐसा होता है, आने वाली घटनाओं का पहले अंदाज होना शुरू हो जाता है। बहुत से व्यक्ति मुझे कह देते हैं बाबा मेरा हृदय कंप रहा है। क्यों कंप रहा है? किसी अनहोनी के होने का डर। ये क्या है? ये तीसरा नेत्र वहां तक चीज चटकती है, वाइब्रेट होती है। होने वाली घटनाएं, जैसे लियो टॉलस्टॉय ने कहा, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। आने वाली घटनाएं अपनी परछाइयों को पहले से गिराना शुरू कर देती हैं। बस यही था कारण, यही थी बात जिसके कारण ये शब्द बोले गए। वो तीसरा नेत्र पकड़ता है क्योंकि हमारे सारे शरीर में तीसरे नेत्र से ज्यादा सेंसिटिव कुछ भी नहीं। तीसरा नेत्र पकड़ता है आने वाली घटनाओं को। तो किसी किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरा हृदय कंप रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। काहे की घबराहट हो रही है ये तो पता नहीं। कुछ अनिष्ट की आशंका मन को घेरे रहती है और सुबह से ऐसा हो रहा है। आपने देखा हमारे अंग फरकना, ज्योतिष शास्त्र में तो इनका सबका महत्व है। तिल कहाँ हो उसका क्या अर्थ है, मस्सा कहाँ हो उसका क्या अर्थ है, और आंख फरके उसका क्या अर्थ है। ज्योतिष शास्त्र ऋषियों की देन है,
उन्होंने बहुत सूक्ष्म गणित का आविष्कार कर लिया था। काम धाम तो था, विज्ञान नहीं था, बिल्कुल निरोल अकेले थे, जिसको मैं कहता हूं कि फुर्सत के लम्हे पैदा करो। उनके पास फुर्सत के लम्हे थे, काम करने का कुछ नहीं था। वैसे भी खाने पीने को दूध था, खेत थे, खाने के लिए अनाज हो जाता था, पशु दूध दे जाता था और अपना तन ढांप लेते थे किसी तरह। कपास का आविष्कार हुआ तो वस्त्र बनने भी शुरू हो गए, तो वो बिल्कुल नितांत अकेले थे। इसीलिए लोग कहते थे पुराना जमाना बहुत अच्छा था, लोग बड़े सहनशील थे, लोग बड़े स्वाभाविक वृत्ति से खुश थे। उसका कारण यही था कि फुर्सत के लम्हे थे। जैसे जैसे दुनिया कठिन होती जाएगी, और दुनिया कठिन कैसे होती जाएगी, आपको रोजगार ना मिले तो आपके पास कमाई का साधन नहीं हुआ, और ऊपर से महंगाई ज़्यादा बढ़ती जाए तो आपको आपके घर के खर्चे चलाने में बड़ी दिक्कत आएगी, तंगी आएगी, परिवार का पोषण करने में आपको दिक्कत आएगी, तो आपको मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ेगी। फुर्सत के लम्हे घट जाएंगे, और इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाए, और ये सीधा संबंध है, मैं ऐसे नहीं बोला करता, महंगाई का और रोजगार का, पैसा आया और पैसा गया, कमाई और खर्च, इसका साधन अगर आपके पास ठीक ठीक है तो आपके पास फुर्सत के लम्हे बच सकते हैं। इसलिए तो मैं बीच बीच में, लोग मुझे कहते हैं आप राजनीतिक बात क्यों किया करते हो, भाई ये तुम्हारे जीवन के साथ संबंधित है, ये तुम्हारी मुक्ति के साथ संबंधित है, तुम्हारी लिबरेशन के साथ संबंधित है, तुम्हारी खुशहाली के साथ संबंधित है। अगर तुम ऐसी सरकार चुन दोगे जो झूठ बोलेगी, गप मारेगी, कागजी फूल के सपने दिखाएगी, करेगी कुछ नहीं, सिर्फ ऐशो आयाश, लुटेरे इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर तुम्हारा टैक्स का पैसा कहाँ जाएगा? वो लोग अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने भत्ते बढ़ाएंगे, तुम्हारी पेंशन रोक देंगे। भला देखो, अगर 60 साल की उम्र में कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसके बाद तो असली दुखद दिन तो तब आते हैं। जवानी में तो आदमी का शरीर भी काम कर लेगा, ये नहीं वो कर लेगा, वो नहीं वो कर लेगा, और नहीं तो बटर डोलेगा, लेकिन बुढ़ापे में तो जब शरीर बेचारा काम नहीं करता, तब उस बेचारे की पेंशन को बंद कर देना कितना दुखद है। ये किसी पार्टी बाजी के भीतर, मैं किसी पार्टी को हिमायत नहीं करता हूं, मेरे लिए तो सब लुटेरे हैं। एक बात को समझ लेना, कोई भी पार्टी हो सब लुटेरे हैं, लोभ के बिना, लालच के बिना, लूटने की इच्छा के बिना, अभी इन शब्दों को ठीक से समझ लेना, कोई राजनीति में प्रवेश ही नहीं करता। बात ही खत्म कर दी मैंने। राजनीति में प्रवेश वो ही व्यक्ति करेगा आज की घड़ी, पहले जमाने के लोग थे जो निस्वार्थ सेवा करते थे। गांधी को लोग गाली निकालते, बैरिस्ट्री बहुत बढ़िया चलती थी साउथ अफ्रीका में, और छोड़ छाड़ के आ गया, पेंट कोट टाई सब संभालती है, लंगोटी बांध ले, तुम ऐसा कर सकते हो, गाली निकालने वालों तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन उन्होंने गाली निकालनी है। आज दुनिया किसी और तरफ निकल गई है, और हमें अगर हम ना संभले, ना समझे, तो फिर हशर आप देख सकते हो। ये सभी भाग जाएंगे आपको छोड़ के, आप चाहे कितना ही अंधभक्त हो, तुम देख लेना, ये सभी भाग जाएंगे, फुर्र हो जाएंगे किसी और देश में, और तुम्हारा क्या होगा कालिया? इसलिए मैं बीच बीच में से राजनीतिक बात बोलता हूं, क्योंकि राजनीति आपकी
लिबरेशन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है। पागल नहीं हूं, ना मुझे बोलने की बीमारी है। मैं बोलता हूं और वही बोलता हूं जिसमें तुम्हारा हित हो। अगर मैं किसी को बुरा भला भी कहता हूं तो मेरी एक बात याद कर लेना, उससे मुझे कुछ नहीं मिलता है, मुझको तो शायद कुछ तकलीफ ही होती होगी, लेकिन मैं क्या करूं, उस तकलीफ को झेलते हुए भी मैं उस व्यक्ति को बुरा भला कहता हूं। राधे राधे मत करो, राम राम मत करो, हालांकि वो मेरा प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हमने जमीन नहीं बांटनी है, लेकिन मैं क्यों कहता हूं, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारा वक्त बच जाए, तुम्हारी शक्ति बच जाए, और मेरा कोई मतलब नहीं और कोई प्रयोजन भी नहीं। चलो हम बात को आगे लेके चले। इस संदर्भ में थोड़ी सी और भी बात बता दूं, तुम तो शायद समझोगे कि बाबा को कोई पोटली आ गई होगी किस तरफ से। नहीं नहीं ऐसा ना, मुझे पोटली चाहिए, 200-200 ग्राम दूध पीता हूं 3 बार। जिस किसी को इस बात पर संदेह हो वो आ जाए मेरे पास बैठ जाए, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन मेरा आना जाना देख ले, क्या आता है खाने के लिए, क्या नहीं आता है पता चल जाएगा। मेरे घर वालों से पूछ लो, वो इस बात के लिए दुखी हैं कि ये कुछ खाता नहीं। अभी कल ही मेरी शिष्याएं आई थी, वो कहती कुछ खा लिया करो, कोई 4 दाने खा लिया करो कणक के। मैंने कहा चलता है शरीर, वो चला रहा है, अब चला रहा है तो चलने दो। लेकिन वो भली भांति जानते हैं कि ऐसे कैसे चलेगा जब उनका नहीं चलता, तुम्हारा कैसे चलेगा, लेकिन चल रहा है, 12 वर्ष से चल रहा है, और जितना वो चलाना चाहेगा, हुक्म है अंदर सबको, उसके हुक्म से बाहर नहीं होता। मैं कुछ भी ना खाऊं ना तो भी चलेगा, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे बुझे तो हुम्मे कहे ना कोई। मैं कुछ नहीं हूं, चलाने वाला मैं कोई नहीं, वह चाहेगा चला देगा, वह नहीं चाहेगा नहीं चलाएगा, और मरना तो सभी ने होता ही है, फिर डरना किस चीज का होता है। और फिर जिस व्यक्ति को अपना आपा दिख गया वह मरने से डरेगा भी क्यों। आने वाली घटनाओं को आपको पहले से आभास होना शुरू हो जाएगा, वो दुखद घटनाएं हों सुखद घटनाएं, स्वप्न के जरिए कल्पना के जरिए मन एकदम से अशांत हो जाएगा, मन एकदम से खुश हो जाएगा, तो समझो कुछ अच्छा होने वाला है आपके हिसाब से, कुछ बुरा होने वाला है। तबीयत बेवजह नासाज रहनी शुरू हो जाएगी, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, बेवजह, कोई कारण नहीं, बेवजह दिमाग के ऊपर बोझ आ जाएगा, बेवजह शरीर कांपने लग जाएगा। ये सब प्रभाव हैं, मानसिक उदासीनता, मानसिक उदासी, मानसिक कंपन, आने वाली घटनाओं का आभास। अगर ये ऐसे संकेत आने शुरू हो जाएं, तो समझ लेना कि तुम्हारा तीसरा नेत्र जागने के करीब है, बस थोड़ा सा प्रयास हो तो उस प्रयास में क्या करें, उस प्रयास में आपने यहां ध्यान नहीं करना है, यहां ध्यान करने वाले किसी व्यक्ति का कभी तीसरा नेत्र जागा नहीं, किसी का जागा हो तो बता दो। तीसरा नेत्र जागता है सिर्फ श्वास की चोट से, फिर समझना इस बात को। बहुत से संतों ने आपको पहले भी यह बात बताई होगी कि श्वास की चोट से जागता है, श्वास प्राण है। जरा सोचो 15 मिनट आप श्वास न लो तो क्या होगा। श्वास की चोट से तीसरा नेत्र जगता है, कैसे जगता है इसकी प्रक्रिया मैंने समझा दी। ये जो क्रियायोग मैंने बताया, और मैं इतना जोर देता हूं, मैं कोई आपसे दूसरे गुरुओं की तरह एंट्रेंस फीस नहीं लेता, कोई शिविर में दाखिल होने का, कोई शिविर में इसलिए लगाता नहीं, मैं इसलिए ओपन भाष्य करता हूं कि जो भी चाहे इसका लाभ उठाना उठा सकता है, और मुझे रोज
अनेकों कमेंट्स आते हैं कि बाबा आपने हमको जीना सिखा दिया, जिंदगी खुशहाल हो गई, सहन शक्ति बढ़ गई, शरीर का रंग ढांचा ठीक होना शुरू हो गया। ये क्रिया योग के बहुत फायदे हैं, क्या कहना, जरा आप करने वाले ही देख लो। सबसे पहले तो मन खुशहाल, कूड़ा कबाड़ा बाहर निकलेगा, उसको दबाना मत, वह पहले से दबा रखा है आपने। अब जब बाहर आए निकलने लगे तो उसको दबाना मत, उसको निकलने देना, वह कूड़ा है, उसी का भार है आपके ऊपर। तो क्रिया योग का मैं इसलिए बार बार आपको कहता हूं, सुबह उठो, जब जाग खुल जाए, जब नींद पूरी हो जाए, जब आप फ्रेश हो जाओ, उठो, क्रिया योग करो। नींद आ जाए तो वो योग निद्रा है। इस वहम में मत पड़ जाना कि ये नींद है, वह योग निद्रा है। यह योग निद्रा के शिविर लगाने वाले लोग आपको बहका देते हैं, आपको ये हिप्नोसिस के द्वारा योग निद्रा में जाने का अभ्यस्त कर देते हैं, फिर आप बिना सुझाव के जा ही नहीं सकते। क्रिया योग आपको सहज ही योग निद्रा में ले जाता है, और योग निद्रा के बाद उठकर आपने जो जलपान करना है, नाश्ता करना है, उसके बाद आप ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान में बड़े आराम से बैठो, नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना है, और ऐसे कॉर्नर में बैठ जाना है सहारा लेकर दीवारों का, कि शरीर के किसी अंग को अनुभूति ही ना हो कि वो है। ध्यान रखना, शरीर जब अस्वस्थ होता है तो बताता है अपनी मौजूदगी। अगर कुछ दुखेगा तो आपको पता लगेगा कि पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, गर्दन दुख रही है, बाजू दुख रही है। जब शरीर अस्वस्थ होता है तो वो अपनी होनी का पता लगवाता है कि मैं हूं। अस्वस्थ और स्वस्थ शरीर की निशानी क्या है, कि वह अपनी होंद का परिचय नहीं देता कि मैं हूं, वो आभास नहीं होने देता। यही स्वस्थ शरीर की निशानी है। स्वस्थ के दूसरे शब्द का अर्थ भी है स्वस्थित, जो स्वयं में स्थित हो जाता है वह स्वस्थ होता है। शरीर आपका स्वस्थ हो और आप स्वयं में स्थित हो, थोड़ा सा गहरा है, इसको बार बार समझ लेना है शब्द को। शरीर स्वस्थ हो यानी शरीर अपना आवाज ना कराए कि मैं हूं, कहीं से चस चस ना हो, कहीं से कोई दुखता ना हो, पहला तो ये। और दूसरा ज्यादा जरूरी, स्वय स्थित हो, तुम अपने आप में स्थित हो जाओ, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं तो स्थिति प्रज्ञ हो जा, तो अपने स्वयं में स्थित हो जा। अगर ये दो बातें हो जाएं तो फिर तुम्हें तुम्हारा मुकाम मिल गया। स्वयं में स्थित होना ही मुश्किल है, यह मन बड़ा शोर शराबा करता है, मन बड़ा चंचल है। अर्जुन भी कृष्ण को कहता है, हे भगवान, ये मन की गति बड़ी विराट है, यह मुझे अपने साथ ही बहा के ले जाती है, मैं इस मन का क्या करूं, कैसे रोकूं इसको। तो भगवान बड़ा सुंदर उपाय बताते हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया क्या करें। 5000 साल से गीता चल रही है, इस छोटी सी बात को साधक समझ नहीं पाता, सिद्ध समझा नहीं पाते। मन की अशांति को, उहापोह को, भटकन को रोकने के अन्य अन्य उपाय बता देते हैं, लेकिन जो कृष्ण भगवान ने बताया वो तो कमाल। जैसे मैंने कहा कि आप साइकिल चला रहे हो और साइकिल के चलने से आप तंग हो, एक एक शब्द को बड़े आराम से समझना। साइकिल आप चला रहे हो और साइकिल के चलने से तुम दुखी हो, तंग हो, परेशान हो,
और तुम कहो कि मैं साइकिल के चलने से परेशान हूं, तो समझदार आदमी कहेगा कि ये पैडल मारना बंद कर दो। तुम पैडल मारना बंद कर देते हो, लेकिन साइकिल जो पुराना तुमने पैडल मार दिया उसके प्रभाव से कुछ दूर तो चलेगा ना। अब फिर भी चलाओगे, ये तो अब भी चल रहा है, चलेगा भाई, थोड़ी दूर चलेगा। शांति रखो, धीरज रखो। जब इसके पीछे लगी हुई शक्ति समाप्त हो जाएगी तो गिर जाएगा। वही कृष्ण कहते हैं कि स्वस्थित हो जाओ, पैडल मारना बंद कर दो। तुम ही हो इसको शक्ति देने वाले, तुम ही पैडल मार रहे थे, क्योंकि शक्ति रूपा तुम ही हो। भगवान को क्या कहा गया? ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। शक्ति और किसी के पास है ही नहीं, शक्ति तुम्हारे पास है। और तुम ही मन को शक्ति देते हो और रोते भी हो, तुम ही पैडल मारते हो और साइकिल के चलने से दुखी भी होते हो। अब क्या किया जाए तुम्हारा? तो कृष्ण तो कह कह के चले जाते हैं कि भी तू स्वस्थित तो हो जा अर्जुन, तू स्थिति प्रज्ञ हो जा। तेरे मन का कंपन, तेरे मन का भटकन, ये भय सब समाप्त हो जाएगा। ये शरीर को बचाने का लोभ सब समाप्त हो जाएगा। तू एक काम कर, तू स्थिति प्रज्ञ हो जा, तू स्वस्थित हो जा। और क्या होगा जब तुम स्वस्थित हो जाओगे? वही कछुआ जब अपने सारे अंगों को समेट लेता है अपनी खोल के भीतर, तो क्या होता है? उसका एक अंग भी बाहर नहीं दिखता। जब तुम्हारी शक्ति तुम्हारे में ही रहेगी, कछुए की खोल में ही कछुआ रहेगा, और तुम मन को शक्ति ही ना दोगे, जब तुम स्वयं में स्थित हो गए, तो तुमने बटन ऑफ कर दिया, मेन स्विच ऑफ कर दिया पावर हाउस का, तो वह बिजली आगे नहीं जाएगी। लेकिन जो बिजली तुमने छोड़ दी वह थोड़ी देर के लिए प्रभाव देगी, और जैसे ही वो भंडार समाप्त हो जाएगा जो आपके इन्वर्टर ने ग्रहण किया था, तो फिर सब चलना बंद हो जाएगा। यही है सारी कीमिया मन के चलने की। ये साइंटिफिक वे से मैंने आपको समझाया। कृष्ण आज से 5000 साल पहले बता गए, तू रोक दे, तेरी ही शक्ति मन को मिलती है और मन इंद्रियों को मुहैया करा देता है और इंद्रियां शोर मचाती हैं। इंद्रियां शोर मचाती हैं तो तुम परेशान होते हो, साइकिल चलती है तो तुम परेशान होते हो। अब तो मैंने पैडल मारना बंद कर दिया, अब भी क्यों चल रही है? चलेगी भाई, थोड़ी देर के लिए चलेगी। तुम्हारे बिजली घर में से तुम्हारे इन्वर्टर ने जो बिजली खींच ली है, वह बिजली समाप्त होने तक चलेगा तुम्हारा सब सिस्टम। लेकिन धीरे धीरे जब इन्वर्टर भी समाप्त हो जाएगा तो सब ठहर जाएगा। तुम्हारा मन तुम्हें तंग करेगा जब तक उसको पीछे से शक्ति मिलती रहेगी, और ये शक्ति जाएगी तुम्हारे से पावर हाउस से। पावर हाउस का स्विच ऑफ कर दो। इसका मतलब यही है, स्थिति प्रज्ञ हो जा, मतलब अपनी शक्ति को मन तक न पहुंचने दे। मन ही उत्पाती है, मन पहले तो खुद उत्पात करेगा, शरारत करेगा, इंद्रियों को शक्ति देगा और इंद्रियां उत्पात खड़ा करेंगे। फिर तुम कहोगे हमें काम तंग करता है, क्रोध तंग करता है, लोभ तंग करता है, मोह तंग करता है, अहंकार तंग करता है, क्या करें बाबा? सीधा सा उपाय भगवान कृष्ण ने बताया, स्थिति प्रज्ञ हो जा, इस मन को शक्ति देना बंद कर दे, कनेक्शन काट दे। अब भला तुम सोचो, अगर पावर हाउस से तुम्हारा कनेक्शन काट दिया जाए घर का,
तो तुम पंखा चला पाओगे, एसी चला पाओगे, हीटर चला पाओगे, बल्ब जगा पाओगे? नहीं जगा पाओगे। क्यों? क्योंकि शक्ति का आने का साधन तुमने काट दिया। डिस्कनेक्ट, बस यही छोटी सी बात है। भगवान कृष्ण के छोटे से सूत्र को हैरानी की बात है, 5000 साल से कोई भी नहीं समझ पाया, और जिन्होंने समझा वो चुप हो गए या तो उड़ गए, छोड़ो क्या लेंगे। जो थोड़े से करुणावान थे बुद्ध जैसे, वो थोड़ी देर रुके कि भाई क्या करें, देखो अब थोड़ा सा लोगों को भी समझा दो जितना समझा सको। लेकिन वो क्या करेंगे बेचारे, वो कितना ही समझाएं तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम मन को शक्ति देना शुरू ही रखोगे और बात यहीं पे आके फंस जाती है। तुम मन को शक्ति देना बंद करो, मुझे प्रश्न मत करो कि मुझे काम तंग करता है। यह तो डॉक्टर कहते हैं कि शक्ति को तो निकालना ही पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा भाई, क्यों निकालना पड़ेगा? पीछे से शक्ति आएगी, अगर हमने कनेक्शन ही काट दिया तो क्या खाक निकालोगे? कोई इंद्रिय नहीं चल सकेगी अगर तुमने मन को शक्ति ना दी। मन ही शरारती है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। हर घड़ी हर क्षण बदलता है मन, मन चोर है, मन पापी है, मन कामी है, मन क्रोधी है, मन लोभी है, मन है। और तुमने मन को शक्ति नहीं देनी है, मन के साथ कनेक्शन काट दो, यही तुम्हें आता नहीं। वही ध्यान में होता है, जब तुम ध्यान में गहरे जाते हो, जैसे जैसे गहराई, अब इस शब्द को आप ध्यान से सुन लेना, जैसे जैसे आप अपने भीतर उतरोगे वैसे वैसे तुम अपने मन से दूर हो जाओगे। और तुम पाओगे जैसे जैसे तुम अपने मन से दूर होते चले गए वैसे वैसे तुम गहरे भी उतरते गए और वैसे वैसे तुम आनंदित भी होते चले गए। ये आनंद का और मन का सीधा सीधा संबंध है। मन के साथ एकाकार होके मन को शक्ति दोगे तो मन तो करेगा उत्पात, ये मन का स्वभाव है। मन इंद्रियों को आगे देगा और इंद्रियां फिर भोगने की कोशिश करेंगी, कोई उत्पात मचाएंगी, और वो उत्पात आपको झेलना पड़ेगा। तो संत कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू स्थिति प्रज्ञ हो जा, तू कनेक्शन काट दे, क्योंकि तू पावर हाउस है, यू आर ओमनीपोटेंट। तू जब चाहे शक्ति को काट सकता है, इतना निर्बल मत बन, तू इतना कायर क्यों बन गया? लेकिन अर्जुन बहुत, अर्जुन संसारिक है और संसारिक अहंकार मरना नहीं चाहता, वह मान लेता है। अर्जुन कहता है, बिल्कुल भगवान, मैं कायर हूं। कार्पण्य दोषोपहसभा पृच्छामि त्वाम धर्म समूर्चेता, मैं कायर हूं, इसलिए हे महाप्रभो, हे शक्ति स्वरूप, मैं तुमसे पूछता हूं। पृच्छामि त्वाम धर्म समूर्चेता, इस वक्त मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा फर्ज क्या है, मैं क्या करूं इस माहौल के अंदर, मैं क्या करूं? इधर गुरु खड़े हैं, इधर भीष्म खड़े हैं, सभी भाई खड़े हैं, सभी मेरे पूज्य गण भी खड़े हैं, मैं इनको कैसे मार दूं? अहंकार मरना नहीं चाहता, उसे अपने दुश्मन बचाने में जोर, खुद मरना नहीं चाहता। बस अर्जुन के भीतर ये लोभ है। जीवन की पकड़ इतनी गहरी है, जीवेशना इतनी गहरी है कि दुश्मन बच जाए बच जाए, कौरव बच जाए बच जाए, लेकिन मैं तो भागूंगा, मैं नहीं मरना चाहिए। तो
इस कंडीशन के ऊपर आ गया अर्जुन, मैं ना मरूं, ये सारे बच जाएं कोई बात नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं जंगल में निकल जाऊंगा, तप कर लूंगा। लेकिन भाई तप भी कैसे होगा? तो कृष्ण कहते हैं तू स्थिति प्रज्ञ हो जाए सबसे पहले। उसे पता है सारा उत्पात इसका मन खिला रहा है, तो कनेक्शन को काटते हैं, वो चोट करते हैं आपकी नरम रग पे, दुख सी रग पे चोट करते हैं, काट दे इसको। वो जानते हैं, जो जानता है वो बता सकता है कि तुम दुखी क्यों हो। तो खींच ले अपनी शक्ति को कछुए की तरह, बाहर मत जाने दे, बाहर जाने इंद्रियों के पास मत जाने दे, मन के पास मत जाने दे, तू अपने में ठहर जा। और वो होगा कैसे, साथ साथ बताता चलू ना, फिर आप समझते जाओगे। बाहर से सारी शक्ति को खींच लो, खोपड़ी में ले आओ, खोपड़ी से भीतर जाओ, उतरते चले जाओ, उतरते चले जाओ। और इसके लिए आपको एकांत चाहिए पहले, इसलिए सबसे पहले लोग एकांत को ढूंढा करते थे, वनों में चले जाते, और कोई साधन में नहीं था। किसी जंगलों में घने वनों में चले जाते या हिमालय पे चले जाते, ताकि कोई परेशान ना करे, तो एकांत में बैठ जाते जाकर। और एकांत में आप अपने भीतर उतरना शुरू हो जाते हो। इसलिए मैं कई बार आपसे कहा कि अगर आपके पास समय है तो ताश मत खेलो, सिनेमा हॉल मत जाओ। सिनेमा तो आपकी खुद की जिंदगी से बढ़िया और असली सिनेमा कोई है ही नहीं। इसको अच्छी तरह से देख लो, आपकी जिंदगी कम इंटरेस्टिंग है क्या? और वो सच्ची है, तुम नकली जिंदगी जो किसी ने बनाई है पैसे लेके उसको देखने के लिए चले जाते हो, और 3 घंटे आंखें पार पार के देखते हो, थक भी जाते हो, संस्कार भी पता नहीं क्या क्या लेके आते हो। अब आपसे क्या बताऊं, यही कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मन चंचल है ठीक, लेकिन इस चंचल मन की चंचलता नष्ट कैसे होगी? इस मन चंचल मन को शक्ति देना बंद कर दो। तुम कहोगे पंखा बड़ा तेज चलता है, मैं क्या कहूंगा, तेज चलता है, तुम्हें घबराहट होती है तो इसका स्विच ऑफ कर दो, बंद हो जाएगा। इसी चीज से परेशान हो और तुम्हें कोई साधन नहीं सूझ रहा, लेकिन कृष्ण बहुत पहले बता गए कि स्विच को ऑफ कर दो भाई, कछुए की तरह अपने अंगों को समेट लो, अपनी शक्ति को, क्योंकि भंडार तुम हो शक्ति के, पावर हाउस तुम हो, उस शक्ति को तुम मन तक न जाने दो। मन तक जाने दोगे, बुद्धि तक जाने दोगे तो बुद्धि डिस्ट्रीब्यूट करेगा अलग अलग अंगों को, कान को दे देगा कि तुम सुनो वो क्या कह रहा है, मेरी चुगली तो नहीं कर रहा है, आंखों को दे देगा कि देखो यहां कोई ऐसा तो नहीं हो रहा, कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा मेरे को मारने का, ऐसा कुछ उपद्रव करेगा। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम उपद्रव के मूल को ही काट दो, जड़ को ही काट दो, शक्ति देना ही बंद कर दो। शक्ति न देने से मन निर्बल होते 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 गिर जाएगा। मन के गिरने का यह है ढंग। शक्ति को खींच लेना मन को गिरने का ढंग है। धीरे 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 जो तुमने शक्ति दे रखी है वो खर्च करता रहेगा,
और उसके बाद गिर जाएगा, जैसे साइकिल गिर जाती है जाके। बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन बिल्कुल सीधी बात मैं कर रहा हूं, तुम कुछ ना करो। जब तुम कुछ ना करोगे, अपने भीतर उतरना शुरू हो जाओगे। फुर्सत के लम्हे पैदा करो सबसे पहले, अपने भीतर उतरने शुरू हो जाओगे, और धीरे धीरे अपने भीतर उतरते उतरते तुम उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां जाकर तुम मन को शक्ति चाहो तो दे सकते हो, चाहो तो नहीं दे सकते हो। वहां तुम रोक सकते हो मन की शक्ति को। वहां जाकर सच में तुम इंद्र हो जाते हो, इंद्रियों के मालिक। चाहो तो इंद्रियों से काम लो और चाहो तो इंद्रियों से काम ना लो। ये सारी प्रोसेस है। सभी प्रश्नों के जवाब जो आज आए, मैंने सारे प्रश्न के जवाब दे दिए हैं। अगर कुछ और शंका रह गई हो तो आप पूछ सकते हो। फिर मन तुम्हारा सच्चा मित्र बन जाएगा। फिर जैसा भी होगा, मन उसे स्वीकार करेगा। जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगे, मन उसे मंजूर करेगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। और ये एक फार्मूला बन जाएगा आपको जिंदगी जीने का। जैसा भी हो, जो भी हो, उसका साथ निभाओ, संग हो लो। क्या ठीक? मैं अज्ञानी हूं, मैं अशक्त हूं, मुझे पता नहीं, तूने जो किया वो ठीक किया होगा, रिजल्ट बाद में पता चलेगा, अभी तो मुझे बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं तो जश्न मनाऊंगा चाहे बर्बाद ही क्यों ना हो गया। और जरा आजमा के देखो, जिंदगी का साथ, अभी तुम जिंदगी का साथ नहीं निभा रहे, अभी तुम जिंदगी के प्रतिद्वंदिता में खड़े हो, कंपटीशन में खड़े हो। लेकिन संत कहता है कि जिंदगी का साथ निभा लो, जिंदगी के संग हो लो। बर्बादी है तो बर्बादी के संग हो लो, आबादी है तो आबादी के संग हो लो, और फिर पाओ, फिर तमाशा देखो कैसे आनंद तुम्हारी तरफ झूम झूम के आता है। तुम्हारी जिंदगी रसमय हो जाती है, कुमारी से युक्त हो जाती है, खुशबू से संपन्न हो जाती है। तुम एक ही क्षण में स्वर्ग सा आनंद पा लेते हो। धन्यवाद।